हेलो बच्चों, की हाल चाल। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे। चाहे आप क्लास 9 के हो या 10 के हो, अगर आप सेल्फ स्टडी को इंक्रीज करना चाहते हो तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक लेकर आया हूँ बेस्ट टाइम टेबल, जिसमें मैंने कम से कम 4 घंटे का आपका सेल्फ टाइम निकाला है। चाहे आप स्कूल जा रहे हो, आपका ट्यूशन जा रहा है, उस टाइम को मैंने यहाँ पर आपका ऐड ऑन नहीं किया है। मैं आपके सेल्फ स्टडी के लिए आपको पूरे 4 घंटे यहाँ पर आपको निकाल के दूंगा। अब वो क्या है बेस्ट टाइम टेबल, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। टाइम टेबल को फॉलो करने से पहले सबसे पहले आपके सब्जेक्ट की प्रायोरिटी को ध्यान में रखिए कि आपका कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा मन लगता है और कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए हार्ड है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने अपनी एक प्रायोरिटी रखी हुई है कि जैसे मेरे को साइंस क्या लगता है थोड़ा सा हार्ड लगता है, तो मैंने उसको फर्स्ट नंबर पर प्रायोरिटी दे दी है। और देन उसके बाद मैंने सेकंड नंबर पर मैथ्स दे दिया है, थर्ड मेरे को सोशल साइंस लगती है, देन आइदर मैं हिंदी और इंग्लिश को मैं कर लूंगा, जिस करके वो आपका इजिली हो जाएगा। तो ऐसे ही मैंने अपने अकॉर्डिंगली अपनी एक प्रायोरिटी के हिसाब से अपने सब्जेक्ट को सीरियल ऑर्डर में रखा हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग मैं ज्यादा से ज्यादा साइंस में फोकस करूंगा, देन मैथ्स में करूंगा, एसएससी में करूंगा। ऐसे ही आप अपनी कॉपी पर एक प्रायोरिटी के हिसाब से अपने सब्जेक्ट को डिजाइन कर सकते हो कि आपको किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है। जैसे इस साल आपको बताया कि आपके कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन होने वाले हैं, तो साइंस में सबसे ज्यादा जो टफेस्ट एग्जाम होगा वो साइंस का होगा, बिकॉज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपके साइंस केमिस्ट्री फिजिक्स में आएंगे, जिसको थोड़ा सा सोल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाता है, जिस करके यहाँ पर मैंने टॉप प्रायोरिटी साइंस रखी है। देन फिर आप मैथ रख सकते हो। एसएससी में आपको बताया कि लर्न करना होता है सारे क्वेश्चन, देन आपका हिंदी और इंग्लिश आपका इजिली हो जाता है। अगर आप इसको डेली 1 आवर दोगे तो आपका हो जाएगा, बट जो आपके मेन सब्जेक्ट है वो आपके साइंस मैथ्स और एसएससी। तो जिस करके मैंने यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली आपकी प्रायोरिटी दे रखी है, आप इसको अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। देन उसके बाद सारे बच्चों के मन में होता है कि सर हम मिनिमम से मिनिमम कितने घंटे पढ़े कि जिससे हम अपने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन में 98% से ज्यादा स्कोर करें। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे अभी आपका सेशन स्टार्ट है और आपकी सिर्फ छुट्टियां खत्म होने वाली है, और कई बच्चों के तो मंडे से स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि आपका समर वेकेशन खत्म हो गया है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा और आपका स्कूल टाइम भी हो जाएगा। तो देन मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि मिनिमम से मिनिमम आपको 4 आवर्स तो निकालने चाहिए फॉर सेल्फ स्टडी के लिए, बिकॉज 4 घंटे अगर आप नहीं निकालोगे तो आपको आगे जाके परेशानी होगी, देन आगे आपको फिर रात दिन पढ़ना पड़ेगा, जिससे आपको डिफिकल्टी होगी। बिकॉज अभी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो आपका सिलेबस भी खत्म होगा और आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं पड़ेगा। तो आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्टडी को स्टार्ट करें। तो अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि आपको मॉर्निंग से लेकर नाइट तक आपको क्या टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, जिससे आपके ट्यूशन टाइमिंग आपका स्कूल टाइम भी निकल जाए, आपको रेस्ट भी हो जाए और आप अपने फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड कर लें, और देन आप मिनिमम से मिनिमम 4 घंटे का सेल्फ स्टडी का रूटीन भी अपने डेली निकाल लें, जिससे आप ये सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकोगे। तो यहाँ पर मैं आपको स्टार्टिंग मॉर्निंग से दिखाता हूँ। टाइम आपकी क्या है, 7 बजे, आप 7 बजे सुबह उठ जाओगे। सुबह उठते साथ थोड़ा 15 मिनट आप मेडिटेशन वगैरह करोगे, देन उसके बाद फ्रेश होकर आप रेडी होकर ब्रेकफास्ट करके आप स्कूल चले जाओगे। जनरली मॉर्निंग में बच्चा ब्रेकफास्ट नहीं करता क्योंकि उसे मन नहीं करता, पर फिर भी आप दूध वगैरह पी के जरूर जाएं। और देन जब 8 बजे आपका स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, तो 8 से लेकर 2 का तो आपका स्कूल टाइम निकाला है। जनरली स्कूल की जो बच्चों की टाइमिंग होती है वो 8 से लेकर 2 होती है। अगर आपकी 2:30 बजे तक है तो देन आप 3 बजे तक घर पहुंचोगे। तो आप आगे का टाइमिंग आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो, बट यहाँ पर मैंने एक एवरेज स्कूल टाइमिंग लिखी है कि 8 से लेकर 2 तक का स्कूल का बच्चों का टाइम खत्म हो रहा है। जब आप 2 बजे घर पहुंच जाओगे तो लंच प्लस स्नैप, नैप का मतलब होता है कि 10-15 मिनट की नींद ले लेना, बिकॉज जब आप स्कूल से आओगे तो थोड़े थके हो जाओगे क्योंकि स्कूल में भी आप पढ़ रहे हो और प्लस थोड़ी मस्ती कर रहे हो, तो आपको थोड़ी थकान हो जाएगी। तो अगर आप स्कूल के बाद 10-15 मिनट की अगर नींद ले लोगे तो आपकी थकान दूर हो जाएगी। तो जैसे आप 2 बजे अगर आप घर पहुंच रहे हो तो 2 से लेकर 2:30 बजे तक या फिर 3 बजे तक आपने अपना चेंजेस कर दिया कपड़े वगैरह, देन उसके बाद आपने लंच कर लिया और आधे घंटे की आपने क्या ले ली, नींद ले ली। देन 3:30 से 5:30 यहाँ पर आपकी ट्यूशन टाइमिंग है, बिकॉज अगर आप 9th या फिर 10th में हो तो मैक्सिमम बच्चा या क्या करता है, 2 ही ट्यूशन लगाता है, मैथ और साइंस, या फिर बहुत ज्यादा अगर बच्चे को जरूरत है तो वो एसएससी की ट्यूशन लगा लेता है। पर 3 घंटे से ज्यादा की ट्यूशन मत लगाना वरना बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि अगर 7 दिन अगर ट्यूशन में चले जाएगा तो आप सेल्फ स्टडी कब करोगे। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अगर जरूरत है ट्यूशन की तो आइदर आप मैथ्स या साइंस की लगाओ, या फिर अगर आपको एसएससी की नीड है तो आप एसएससी की लगा सकते हो, पर 2 या 2.5 घंटे से ज्यादा ट्यूशन में मत अपना टाइम वेस्ट करना। देन उसके बाद आप 5:30 बजे जब आ जाओगे तो देन आपका पहला प्रायोरिटी वाला आपका सब्जेक्ट आ जाएगा 5:30 से लेकर 7:30, क्योंकि अगर आप 5:45 बजे अगर ट्यूशन से ओवर हो रहे हो तो 15 मिनट में घर आ जाओगे, और 5:30 से लेकर 7:30 लगातार आपने 2 घंटे आपने प्रायोरिटी 1 वाले सब्जेक्ट को स्टडी करना है। जैसे यहाँ पर आपको दिखाया था कि प्रायोरिटी 1 आपने कौन सी ले रखी है, साइंस की ले रखी है। अगर आपकी प्रायोरिटी साइंस नहीं है तो मैथ है, तो मैथ को प्रैक्टिस कीजिए, या फिर अगर आपकी एसएससी है तो एसएससी के क्वेश्चन को लर्न कीजिए, बिकॉज एसएससी में भी आपकी बुक 4 होगी और साइंस में भी आपको बताया कि आपके 3 पार्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो उसको आप पढ़ लीजिए, पढ़ सकते हो कि थोड़े घंटे आपने फिजिक्स पढ़ लिया, देन उसके न्यूमेरिकल कर लिए,
देन उसके बाद अपने बायो का थोड़ा रीड कर लिया, उसके डायग्राम की प्रैक्टिस कर ली, केमिस्ट्री के रिएक्शन को याद कर लिया, तो ऐसे आप अपने 2 घंटे को यूटिलाइज कर सकते हो। देन 7:30 से 8 आधे घंटे का मैंने आपका यहाँ पर आपका फ्री टाइम रखा है, इसमें आपने मोबाइल को यूज नहीं करना, जितना आप सोशली दूर रहोगे उतना ही आपका टाइम बचेगा, बिकॉज अगर आप मोबाइल में लग गए तो आपको पता ही चलेगा कि आधे का एक घंटा कब हो गया, तो ऐसे ही आपका रहना और खराब हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर आप अपने फ्रेंड से बात कर सकते हो, या फिर अपनी फैमिली से बात कर सकते हो, या फिर डेस्क कर सकते हो। देन 8 से 9 बजे यहाँ पर आपकी प्रायोरिटी 2 या फिर 3 वाली स्टडी को आप पढ़ोगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपकी प्रायोरिटी 2 और 3 कौन सी होगी। आइदर आप 2 वाली प्रायोरिटी पढ़ो या 3, मैं ये नहीं कह रहा कि एक घंटे में आपने दोनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आइदर आप प्रायोरिटी नंबर 2 वाले सब्जेक्ट को पढ़ो या फिर 3 वाले को पढ़ो, तो यहाँ पर आपने एक घंटा वो वाले सब्जेक्ट को पढ़ लेना है। देन 9 से 10 आपका डिनर टाइम हो गया। डिनर टाइम में वैसे 15-20 मिनट लगते हैं, पर फिर भी आप एक घंटा अपना टाइम निकालो जिसमें आप फैमिली के साथ टाइम दो, उनसे बातें करो, अपने पेरेंट्स से बात करो कि उनका दिन कैसा गया, अपने कुछ बातें शेयर करो उनके साथ। देन उसके बाद 10 से 11 मैंने यहाँ पर आपका एक और स्लॉट निकाल दिया है जिसमें आप आइदर हिंदी और इंग्लिश के चैप्टर्स को पढ़ सकते हो, या फिर नेक्स्ट डे आपका क्या होने वाला है स्कूल में उसको रिकॉल कर सकते हो। देन यहाँ पर आपका प्रायोरिटी 4 और 5 हो जाएगा। देन उसके बाद 11 से 11:30 आपका फ्री टाइम है, इसमें आपने क्या करना है, अगर आपके बैग आपने पैक करना है तो बैग को पैक कर सकते हो, या फिर अगर आपका कोई होमवर्क है तो उसको आप कंप्लीट कर सकते हो, या फिर यहाँ पर आप अपना रेस्ट कर सकते हो, या फिर अपने गेम वगैरह खेल सकते हो जिससे आपका माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाए। देन उसके बाद 11:30 बजे आपने सो जाना है, बिकॉज 11:30 अगर आप सोगे तभी तो 7 बजे उठोगे, क्योंकि मिनिमम से मिनिमम 7 या 7.5 घंटे की नींद जरूरी होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए ऐसा स्लॉट निकाला है। और अभी आपका क्या है, मॉर्निंग में अगर आपका स्कूल है तो आपको ये भी है कि आप नाइट आउट नहीं पढ़ोगे, बिकॉज रात को पढ़ना तब आपको जरूरी है जब आपके एग्जाम आने वाले होंगे, तब आपके लिए एक थोड़ा सा चेंजेस कर देंगे टाइम टेबल में, बढ़िया टाइम टेबल आपका आप छुट्टियों के बाद स्टार्ट हो जाएगा। तो गारंटी कहता हूँ मैं, अगर आप इस टाइम टेबल फॉलो करते हो तो मैं 101% कह सकता हूँ कि आप 98% से अच्छा स्कोर करोगे अपने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में और देन उसके बाद बोर्ड एग्जाम में। और आइदर आप अपने 9th क्लास में या 10th में हो, आप काफी अच्छा स्कोर करने वाले हो, बट कंडीशन ये है कि आप इसको कंसिस्टेंसी फॉलो करो, ये नहीं कि यार सर ने अभी बता दिया मैं तो इसको कल से फॉलो करूंगा, कल कभी नहीं आता, इसको आप आज से अपने फॉलो कीजिए और अपने अकॉर्डिंगली फॉलो कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि यार मेरी ट्यूशन टाइमिंग 3:30 से 5:30 नहीं है, तो देन उस टाइम पे आप अपना स्टडी कीजिए या फिर अपना स्कूल का होमवर्क कीजिए, और देन जिस टाइम पे आपकी ट्यूशन है उस टाइम पे आप जाके आप बदर फर्दर अपना स्टडी कर सकते हो। तो ये टाइम टेबल आपका एक वेरिएबल टाइम टेबल है जिसको आप नोट डाउन करके अपनी स्टडी को स्टार्ट कर सकते हो, या आपसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। तो ये मैंने आपके लिए एक बेस्ट टाइम टेबल तैयार कर दिया है जो टॉपर भी डेली फॉलो करता है। तो आई होप ये टाइम टेबल आपको अच्छा लगा हो। तो अगर आपको ये टाइम टेबल अच्छे लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रविंद्र मैथ्स टीचर हैशटैग लिख के लिखिए कि यस सर हमें मजा आ गया और हम इस टाइम टेबल को फॉलो करने वाले हैं और अपने बोर्ड एग्जाम या फिर अपने 9th एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे, और गारंटी है कि हम 101% अपना आप जरूर करेंगे, बिकॉज अब आपका इस साल आपका बहुत इंपॉर्टेंट साल है, यहाँ पर आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बिकॉज 10th में अगर अच्छा स्कोर करोगे तभी तो आगे फर्दर अगर आपकी लाइन अच्छी हो जाएगी। तो अगर आपको ये टाइम टेबल अच्छा लगे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, क्योंकि हम डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिनकी नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में।